दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन सभी दोस्तों के लिए बनाई है जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपका आपके साथ ट्रू लव करती हैं या फेक लव करती हैं, जो आपको आज पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप उनके फ़ोन को कैसे फुली स्पाई कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं उनके फ़ोन में कि वो अपने फ़ोन में क्या चला रही हैं और वो किसको मैसेज सेंड कर रही हैं, अगर उनका अलग अदर लवर तो नहीं, और जहाँ वो किसको उन्हें कॉल आती है और उन्होंने किसी को कॉल की है। आपको पता, सब कुछ पता अपने पीसी पे चल जाएगा, आपको एक वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा कि वो अपने फ़ोन में क्या कर रही हैं। तो अगर आप किसी के बाप हैं तो आप अपने बच्चों पे भी स्पाई रखने के लिए पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपने फ़ोन में क्या चला रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ट्रिक। तो ये बिना रूट के भी काम करेगा, और आपको ये फ़ोन अगर आपका रूटेड है तभी भी बेहतर है, अगर नहीं है तो ये तभी भी ये ट्रिक वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास आपकी GF का डिवाइस एक या दो मिनट के लिए आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपको उसके फ़ोन को टच तक भी नहीं करना है, और आप कहीं से भी उसके फ़ोन की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको, सिंपल, जैसे मान लीजिए जी आपकी GF का फ़ोन है, जो मेरे पास इस समय डिवाइस है, मान लीजिए जी आपकी GF का फ़ोन है, आपको क्या सेटिंग्स अप्लाई करना पड़ेंगी और आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो चलिए पहले हम सेटिंग्स अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी के बाद नीचे जाने पर आपको यहाँ पे ऑन ना ऑन सो चीज़ होगा। अगर आपको यहाँ पे ऑन नहीं है, इसका ना टिक नहीं लगा हुआ है, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। आप इसे ध्यान से ऑन कर लीजिए, अगर पहले से ऑन है तो काफ़ी बढ़िया है। तो इसके बाद बैक जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप या लॉलीपॉप से उसका अगला वर्जन है, तो उसमें एक गूगल सेटिंग्स नाम का ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लॉलीपॉप से पीछे वर्जन है तो आपको वो गूगल सेटिंग्स का आइकन और वो सेटिंग्स नहीं दिखाई देंगी। जिस प्रकार देखिए मेरा फ़ोन है वो लॉलीपॉप अपडेटेड है, तो मेरे में ये देखिए गूगल सेटिंग्स का एक आइकन दिखाई देगा। ये देखिए, ये रहा गूगल सेटिंग्स का। अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप अपडेटेड है या उसके अगला वर्जन है, तो आप में भी ये ज़रूर ऑप्शन होगा। तो चलिए हम इस पर गूगल सेटिंग्स पर जाते हैं, और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट, से इस समय इनेबल है, आपको इसे डिसेबल कर देना है। तो चलिए, डिसेबल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। आप ये URL पुट करना है आपको अपने ब्राउजर में। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, ये देखिए ग्रीन में दिखाई दे रहा है डाउनलोड का बटन। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और अपने लिए एक ऐप डाउनलोड करनी है। ये काफ़ी स्मॉल ऐप है। तो चलिए, ये ऐप डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल सिस्टम सर्विस नाम की ऐप है। तो चलिए, इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ईमेल आईडी डाल दीजिए। चलिए हम डाल लेते हैं अपनी ईमेल आईडी। चलिए हम जीमेल आईडी डाल लेते हैं, आप कोई भी अपनी जीमेल आईडी डाल लीजिएगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं। इसके बाद अगर आपका फोन रूटेड है तभी भी ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी ये ऐप पूरे अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आपके वर्क करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए मेरा फोन तो रूटेड भी है, प्लस तभी भी बेहतर है। अगर आपका नहीं है रूटेड तो तभी भी ये वर्क करेगी आपके मोबाइल में ऐप। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।